हेलो फूडीज, दिस इज अंकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी शुडी। विंटर के सीजन में चाय और कॉफ़ी के बगैर तो दिन ही नहीं निकलता, और अगर उस पर आपको घर बैठे ही रेस्टोरेंट वाली झाग वाली कॉफ़ी मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कॉफ़ी की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। तो मैं यहाँ पर 2 कप कॉफ़ी बना रही हूँ, तो यहाँ पर आपको 2 चम्मच कॉफ़ी लगेगी। और इसी के साथ आपको यहाँ पर लेना है 4 चम्मच शुगर। तो ध्यान रखिएगा, 2 चम्मच कॉफी पाउडर के साथ 4 चम्मच शुगर लेना है। और उसी के साथ यहाँ पर हम लेंगे 2 चम्मच गर्म पानी। तो पानी को जो है वो आपको अच्छा बॉईल करके लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक बाउल में 2 चम्मच कॉफी पाउडर डाल देंगे, ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। और 2 चम्मच कॉफी पाउडर के साथ आपको यहाँ पर डाल देना है 4 चम्मच शुगर। तो फ्रेंड्स, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो मीठा कम खाते हैं, बट आप यहाँ पर टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि 2 कप के लिए इतनी शुगर बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम पानी। तो 2 चम्मच आपको यहाँ पर गरम पानी डाल देना है, ये 1 चम्मच और इसके बाद ये रहा 2 चम्मच। तो इसे अभी हम बीट कर लेंगे। तो बीट करने के लिए आप यहाँ पर विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर विस्कर ना हो तो आप फोक का भी यूज़ कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से आपको अच्छी तरह से इसे बीट कर लेना है। एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि जो हमने पानी लिया था वो आपको अच्छा गर्म पानी लेना है। उससे क्या होगा कि जो आपकी बीटिंग है वो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, बट स्टिल यहाँ पर जो शुगर है वो हमारी मेल्ट हुई नहीं है, तो इसे हमें और अच्छी तरह से बीट करना है। पाँच मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो हमारी कॉफ़ी है वो बिल्कुल हल्की सी बीट हो चुकी है, बट इतनी भी कंसिस्टेंसी हमें नहीं चलेगी फ्रेंड्स, हमें इसे थोड़ा सा और बीट करना है। तो थोड़ी देर तक के और हम इसे बीट करेंगे। तो इसे हमें तब तक के बीट करना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम जैसे ना हो जाए, एकदम हमें इसे क्रीमी और फौदी बना लेना है। तो आप उस तरह से इसे बीट कीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़बरदस्त हमारी यहाँ पर कॉफ़ी बीट हो चुकी है। तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी पे आने तक के आपको इसे बीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो देखिए, बिल्कुल क्रीम की तरह आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कॉफ़ी को इतनी ज़ोर से भी झटक रही हूँ तो भी यहाँ पर ये कॉफ़ी गिर नहीं रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको इसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी रखनी है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कटोरी को भी मैंने उल्टा करके दिखा दिया है तो भी हमारी कॉफ़ी बिल्कुल नीचे नहीं गिरी है। तो बिल्कुल इसी लेवल तक कॉफ़ी को अच्छी तरह से बीट कर लीजिएगा, इससे आपकी कॉफ़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर दूध को एक पतीले में गर्म करने के लिए रख दिया है। तो दूध को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, उसी के बाद हम इसे कॉफ़ी में यूज़ करेंगे। तो दूध हमारा यहाँ अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो चलिए अभी हम कॉफ़ी बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है कॉफ़ी के लिए। तो अभी आपको क्या करना है ना, कि इसमें हम डाल देंगे बीटन कॉफ़ी। तो देखिए, इस तरह से इसमें डाल दीजिए, फैला देंगे अच्छी तरह से। थोड़ी सी और हम इसमें डालेंगे, देखिए बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरह से इसे कप में फैला दीजिएगा। और अभी आपको इसमें डाल देना है मिल्क। तो बिल्कुल गरम मिल्क आपको यहाँ पर लेना है, तो इसमें आप डाल दीजिए। परफेक्ट। और अभी हम इसे स्पून की हेल्प से अच्छे से मिला देंगे, ताकि जो हमारी कॉफ़ी जो है वो अच्छी तरह से दूध में मिल जाए। देखिए, इस तरह से इसे मिला दीजिए। इस प्रोसेस से एक बार तो कॉफ़ी ज़रूर बना के देखिएगा फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो थोड़ा सा और हम टॉप अप कर देंगे यहाँ पर मिल्क की। तो देखिए क्या बढ़िया जो है वो यहाँ पर झाग आ चुका है हमारी कॉफ़ी को, आप यहाँ पर देख सकते हो। और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और बीटन कॉफ़ी। तो हल्का हल्का सा इसमें मिला दीजिए, देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला लुक देने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे कॉफ़ी पाउडर। तो डाल दीजिए इसमें, परफेक्ट। आप चाहे तो कोको पाउडर या तो फिर चॉकलेट पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी बिल्कुल झाग वाली रेस्टोरेंट स्टाइल
हॉट कॉफी। इन सर्दियों में इस रेसिपी को तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। आई एम श्योर आप नेक्स्ट टाइम जब भी कॉफी बनाएंगे तो इसी प्रोसेस से बनाएंगे। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।